할렐루야! 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक मिनट अपने आप को हम लोग बंद करेंगे, परमेश्वर के आगे अपने आप को अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि जो कुछ आज हम सुनने जा रहे हैं प्रभु हमारे हृदय की गहराइयों में वचन को कसरत से बसने दे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। क्या ये सौभाग्य पिता परमेश्वर के तेरे चरणों में आकर इस जगह पर पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक कार्यकर्ता के लिए पिता परमेश्वर, हर एक उपदेशक के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी महिमा और आदत देते हैं शैतान की हर एक दुष्ट शक्ति को, हर एक बहकाने वाले ख्याल को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता परमेश्वर। विश्वास करते हैं आज जो कुछ भी हम सुने पिता परमेश्वर वो तेरे नाम की महिमा के लिए आगे प्रयोग हो, यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना मांगते आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे कमेटी मेंबर्स जितने हैं यहाँ पे, मेरे भाई वरदान अंकल और बाकी सारे भाइयों बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये सौभाग्य मुझे मिला यहाँ पे आके प्रभु का वचन के लिए आज बोलने के लिए अच्छा एक अवसर मिला दिया गया। हम लोग देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे एक्समास करके लिखा है। क्या लिखा है? एक्समास। और उसको अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका मतलब है क्रिसमस। क्रिसमस। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्रिसमस है, क्रिसमस विद क्राइस्ट और विदाउट क्राइस्ट। दुनिया के करीब बहुत सारे लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन अगर क्रिसमस में यीशु मसीह का जो बर्थडे मनाते हैं वो अगर बर्थडे बॉय नहीं है तो फिर क्रिसमस कैसा है? उस क्रिसमस में वो यीशु मसीह अगर नहीं है तो हमारे सारे कार्यक्रम, सारे डांसिंग, सारी चीजें, सब कुछ बेकार और व्यर्थ है। आज इस क्रिसमस के मौके पर, इस उत्सव के समय हम लोग कुछ जानकारी पवित्र शास्त्र से हम लोग जाएंगे। समय की कमी के कारण मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट का जो मौका हमें मिला है उसके अंदर जल्दी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो की गई थी वो 681 BC यानी आज से 2697 साल में की गई थी नहुम के जरिए से, जहां पे लिखा गया था पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है और जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। और यशाय की पुस्तक में लिखा है 7वें अध्याय के 14वें वचन में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आज बहुत सारे लोगों को क्रिसमस का त्योहार मनाना अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो भविष्यवाणी जिसके बारे में की गई थी उसका नाम इमानुएल यानी परमेश्वर हमारे साथ है करके ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ये भविष्यवाणी तो 2667 साल के बाद में हुई, उसके बाद में करीब 677 साल के बारे में ये भविष्यवाणी पूरी हुई, जबकि आज 2016 की जो सन चल रहा है यहाँ तक 2004 BC में ये भविष्यवाणी पूरी हुई, मतलब आज से 2020 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसके बारे में हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ सब लोगों के लिए। ये सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ है, और ये दुनिया का सबसे अच्छा समाचार था।
हम लोग सुबह सवेरे उठते ही आजकल सबसे पहले क्या देखते हैं, अपने मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं। हम लोग LCD LED टीवी पे हम लोग सारे विश्व समाचार देखते हैं, वर्ल्ड न्यूज देखते हैं। आप किसी भी चैनल के कोई भी न्यूज चैनल पे चले जाइए, दुनिया में आपको हर जगह लड़ाई झगड़े मारपीट रेप और तरह तरह के व्यभिचारी और घिनौने काम का आपको समाचार मिलेगा। कोई एक संदेश न्यूज चैनल से ये नहीं मिलता, शांति का समाचार हमें नहीं मिलता। लेकिन आज ये जो समाचार हमें दिया गया है, जिसके बारे में हजारों वर्ष भविष्यवाणी पहले की गई थी, वो समाचार हमारे पास ये है कि ये यीशु मसीह का जन्म हो चुका है और ये यीशु मसीह आज हमारे मध्य में है, बल्कि इसी समय में है। अगर जरूरत है तो आपकी अपनी आत्मिक आंखों को खोलने की जरूरत है। हो सकता है यीशु मसीह आपके बगल में बैठा हो, या आपके सामने है, या आपके पीछे है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आएगा जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। गडरिये जो बकरी चराने वाले मामूली इंसान अनएजुकेटेड लोग, उनको परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया और वो दर्शन लेकर वो खामोश नहीं बैठे, बल्कि वो दुनिया में जाकर सब लोगों को बताना शुरू कर दिया उन्होंने। आज हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास में एक से बढ़कर एक बीड़ियां है, लेकिन क्या आप ये प्रभु यीशु जिसका जन्म हुआ है, जिसके द्वारा आपको आशीष मिली है, जिसके द्वारा आपको नई जिंदगी मिली है, क्या उसका सुसमाचार कहने से आप डरते हैं? अगर ऐसी बात है तो आज मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ कि ये प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में क्या किया उससे बोलने के लिए डरो मत, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाकर हमें ये सुसमाचार सुनाना है। अगर मीडिया गंदगी का समाचार, दुख का समाचार, लड़ाइयों का समाचार हजारों चैनल में दिखा सकती है, तो क्या हम जो प्रभु के बच्चे हैं वो दुनिया को ये नहीं दिखा सकते कि मेरा प्रभु मसीह जिंदा है? और ये प्रभु मसीह सिर्फ 2000 पहले उसका जन्म हुआ, वहां पे उसका अंत नहीं हुआ, बल्कि वो दुनिया में आया, तरह तरह के बहुत ही अद्भुत चमत्कारी काम किए, जन्म के अंधों को उसने आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया, गूंगों को बोलना सिखाया, बहरों को सुनना सिखाया, यहाँ तक के मरे हुए को उसने जिंदा किया, और यही चमत्कार आज भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में ये यीशु मसीह चमत्कारी काम करें, तो आज ये यीशु मसीह को आपको परखना होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, चख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। हम लोग अक्सर घर में खाना खाते हैं ना, जब तक वो खाने को अगर आप चखेंगे नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं ये फीका है, खट्टा है, या कड़वा है, या मीठा है? एक बार तो उसे चखना होगा। तो यहाँ उपस्थित मेरे भाई और बहन जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को चखा नहीं है, मैं उनसे विनती करता हूँ, एक मौका मेरे यीशु को दीजिए और देखिए कि ये यीशु कितना भला और अच्छा है। ये यीशु आपके द्वार पर खड़ा हुआ दरवाजा खटखटा रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज दुनिया में लोगों के पास पैसा है, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छे बंगले हैं, घर है, जमीन जायदाद है, बहुत सारी अच्छी हस्तियां हैं, बहुत पोजीशन है, अच्छा एजुकेशन है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है शांति की। और मेरे यीशु को शांति का राजकुमार करके कहा गया। क्या कहा गया? और अगर शांति का राजकुमार ही नहीं है तो शांति कहां होगी? लोगों को बिना टैबलेट्स लिए हुए, बिना शराब पिए हुए, बिना नशीली दवाएं लिए हुए नींद नहीं आती। परमेश्वर के वचन में लिखा है,
कि परमेश्वर अपने चाहने वालों को नींद देता है। हालेलुया, ये परमेश्वर आपकी अशांत जीवन को शांत करके, आपको शांति देकर आपकी मनोकामनाओं को पूरी करता है। ये परमेश्वर के और भी बहुत सारे काम है। समय के कमी के कारण मैं सारे तो बता नहीं पाता हूँ, लेकिन कुछ 5 मिनट के अगले समय में मैं आपको एक पॉलिसी देना चाहता हूँ। आप लोग कितने लोग जानते हैं LIC करके एक पॉलिसी है? कितने लोग जानते हैं? करीब 60%, 65%, 70%। लेकिन मैं आपको एक नई पॉलिसी देना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं उस पॉलिसी के बारे में कभी आपने सुना है। उस पॉलिसी का नाम है ELIC। ELIC का मतलब है इटरनल लाइफ इन क्राइस्ट, अनंत काल का जीवन यीशु मसीह में। हम लोग सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ वचन देखते हैं, जिसमें लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आज तक आपने ये ELIC की पॉलिसी नहीं ली है तो आप ले सकते हैं। घबराइएगा नहीं, ELIC की पॉलिसी के लिए आपको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरना है। वरदान अंतर से अगर आप LIC की पॉलिसी लेंगे तो शायद वो कहेंगे, ब्रदर ठीक है पॉलिसी है, लेकिन क्या इसका इंस्टॉलमेंट आपको भरना पड़ेगा इतने वर्ष तक? तब आपकी मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगा, उसके बाद में आपके परिवार को इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन मैं जो आपको पॉलिसी देने जा रहा हूँ उसके पास में कोई भी इंस्टॉलमेंट आपको नहीं भरना है, क्योंकि उसके सारे इंस्टॉलमेंट मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दे दिया है। और ये पॉलिसी अगर आप लोगे तो जिंदगी में आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। और जो LIC की पॉलिसी है वो तो आपके मरने के बाद आपके परिवारों को मिलती है, लेकिन मेरे यीशु की ELIC पॉलिसी अगर आप लोगे तो ये पॉलिसी से आपका अपना मुनाफा तो होगा ही, इस धरती पर भी होगा और अनंत काल का जीवन भी आपको मिलेगा। हालेलुया। तो आप लोग कितने लोग LIC की पॉलिसी लेना चाहते हैं? अगर किसी ने यह LIC की पॉलिसी नहीं ली है तो अपने अपने पास्टर से कांटेक्ट कीजिए, या यहाँ के किसी वॉलंटियर से बोल दीजिए कि यीशु मसीह की LIC पॉलिसी क्या है, मुझे पता नहीं है, ये भैया कोई नए आए थे माइकल नाम के, उन्होंने ये देखे गया, मुझे मालूम नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप अपने पास्टरों से, एल्डर से, यहाँ के किसी वॉलंटियर से जाके कहोगे कि ये यीशु मसीह की चिड़िया का नाम है और ये कौन सी पॉलिसी दे रहा है हमें जरा बताइए, तो मुझे पूरा विश्वास है सारे पास्टर आपको खुशी खुशी देंगे। और विश्वास और दिलाता हूँ, वो आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार कि ये पॉलिसी प्रभु ने मुझे कई वर्षों पहले दी, जबकि मेरा जीवन बुरी तरह से नष्ट हो चुका था। काले जादू की वजह से मेरी परेशानी इतनी थी कि मैं रात भर सो नहीं पाता था, सारे डॉक्टरों का इलाज मुझे कुछ नहीं कर पाया। जब मैंने ये पॉलिसी ली, जब परमेश्वर का ये सुसमाचार सुना, जब परमेश्वर के वचन से मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। यही प्रभु यीशु मसीह आज फिर आप लोगों से ये विनंती करता है कि ऐ बोझ से लबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर आप लोग यीशु मसीह को ऐसा अपनाएंगे जैसा वो चाहता है। अगर आपने तरह तरह के जगह पे अपने समस्याओं का हल करने के लिए अपना माथा टेका है, आपकी समस्या दूर नहीं हुई है, अगर आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, अगर आप तक आप अभी भी परेशान हैं, तो आज मेरे यीशु मसीह के पास आइए। वही यीशु मसीह आपके जीवन का कल्याण करेगा, आपके परिवार का कल्याण करेगा, आपकी सोसाइटी का कल्याण करेगा, आपके देश का कल्याण करेगा और पूरे विश्व में एक सुसमाचार सुनाया जाएगा। अब वो दिन बहुत दूर नहीं है। मेरा ये यीशु मसीह जिसका जन्म 2020 वर्ष पूर्वी हुआ था, वो यीशु मसीह अब बहुत जल्द आने वाला है।
और मैं अपना कॉलर टाइट करके कहता हूँ कि यीशु मसीह को मैंने अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। और उन सारे भाइयों बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे यीशु के बिना कोई भी परेशानी में और मुसीबत में ना पड़े, बल्कि ये परमेश्वर के पास स्वर्ग राज्य में अनंत काल का जीवन हर एक को मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अवसर दिया उसके बारे में छोटे से समय में हमें सीखने के लिए, समझने के लिए, उसके जन्म उत्सव में ये यीशु मसीह का संदेश सुनने का मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार सारी कमेटी, सारे भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन आमेन। जोरदार तालियां बजाएंगे।